हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनू होम फूड एंड ब्लॉग्स। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सदा स्वस्थ रहने के 40 बेस्ट टिप्स जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्वस्थ नियमों के बारे में बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको पता चल जाएगा। बस एक बार ये सारे स्वस्थ रहने के नियम देख लीजिए, आप निसंदेह हेल्दी लाइफ जिएंगे। हम यहाँ आपको कुल 40 ऐसे स्वस्थ मंत्र बताएंगे जो देखने में शायद ही आपको बहुत ही साधारण लगे, लेकिन अगर इनको माना जाए तो आदमी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। हम सब रोगों से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय तो अपना लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं उन्हें भूल जाते हैं, फिर यही गलती हमें नुकसान पहुँचाती है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर वही दवाएं और डॉक्टर्स का चक्कर, इन सब में बेकार का पैसा और समय खर्च होता है, जिससे हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। और दिनचर्या के दौरान हम क्या गलतियां करते हैं या फिर हमें क्या सुधार करना चाहिए, यही सब आपको बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं उन हेल्थ टिप्स के बारे में जिनको हमें स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना है। नंबर एक, हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके अंदर निहित नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, जो कि जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है। नंबर दो, सुबह बिस्तर छोड़ते ही बिना मुंह धोए कम से कम एक गिलास पानी ज़रूर पिएं। ये काफ़ी प्रभावी माइनर हिंदी हेल्थ टिप्स हैं आपके लिए, इन्हें ज़रूर माने। नंबर तीन, कभी भी खाली पेट दूध वाली चाय ना पिएं। ऐसा करना शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। नंबर चार, हर रोज सुबह के समय पेट साफ करने की आदत डालें, ऐसा करना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो सुबह जाने की आदत ही नहीं है, ये बहुत हानिकारक है। शरीर के अंदर मौजूद खाने को यदि 12 घंटे से ज़्यादा पेट में रखते हैं तो जहर यानी कि तेजाब बनना शुरू हो जाता है। नंबर पाँच, हर रोज़ अपने दांतों को साफ करना ज़रूरी है। पूरी रात हमारे मुंह में दांतों के अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिन्हें सुबह ब्रश करके साफ करना ज़रूरी है। इसके साथ ही उनकी दुर्गंध भी साफ होती है और दांत मजबूत और चमकीले बनते हैं। नंबर छः, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह 9 बजे से पहले नहा लिया जाए। ऐसा करने से आप में पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है और आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाते हैं। सुबह जल्दी नहा लेने से मूड हमेशा फ्रेश रहता है। नंबर सात, नहाने के बाद हर बार साफ कपड़े पहने। अगर आप नहाते रोज़ हैं लेकिन आप कपड़े हमेशा मैले कुचैले ही पहनते हैं तो आपके नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके अस्वस्थ होने के चांसेस फिर भी रह जाते हैं, इसलिए हर बार साफ कपड़े पहनने की आदत डालें। नंबर आठ, हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ ज़रूर धोने चाहिए, इससे आप हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके हाथों में जो गंदगी होती है वो खाने के साथ अंदर नहीं जा पाएगी। नंबर नौ, खाना खाने से ठीक पहले पानी कभी ना पिएं। कम से कम आधा घंटा पहले पानी पिएं। इसी तरह खाने के साथ साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिएं, इससे आपकी पाचन शक्ति हमेशा दुरुस्त रहेगी। नंबर दस, कभी भी बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं या फिर तली हुई चीज़ें बहुत कम खाएं। इसी के साथ बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च और मसाले वाले भोजन से भी बचें। हमेशा सादा भोजन करें, ये बहुत ही ज़रूरी स्वस्थ रहने के उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। नंबर ग्यारह, अपने भोजन करने का एक निश्चित समय तय करें। जैसे अगर आप सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो हर रोज़ 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करें। इसी तरह अगर लंच 1 बजे करते हैं तो रोज़ 1 बजे ही लंच करें, क्योंकि आपके खाना खाने के समय के हिसाब से ही हमारा पाचन तंत्र और पूरा शरीर उस खाने को पचाने की तैयारी करता है। नंबर 12, हर रोज़ कम से कम 7 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इतना पानी पीना स्वस्थ रहने के लिए और शरीर की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। नंबर 13, पानी कभी भी ऊपर से ना पिएं। पानी हमेशा मुंह लगाकर ही पीना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए।
खड़े खड़े ऊपर से पानी पीने के कारण घुटने और किडनी खराब हो जाती है। नंबर 14, कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल हम सब फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। हमें हमेशा मटके का पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए, ये सर्वोत्तम है। नंबर 15, हमें कभी भी दुकानों से मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। इसमें बहुत हानिकारक तत्व होते हैं जो कि शरीर को खराब कर देते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप घर पर नींबू पानी या कोई भी ठंडाई बनाकर पिएं। नंबर 16, हमें कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करने पर हमेशा तबीयत बिगड़ने का खतरा बना रहता है, क्योंकि शरीर अपने अंदर के तापमान का संतुलन नहीं बना पाता। नंबर 17, हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया और ब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमेशा संक्रमण होने की आशंका बनी रहती है। नंबर 18, हमें हमेशा अपने नाखूनों को काट कर रखना चाहिए, नहीं तो उनमें इकट्ठा होने वाला मैल खाने के साथ आपके पेट में जाकर गड़बड़ी पैदा कर देता है। नंबर 19, कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। हमें उनको समय समय पर कटवाते रहना चाहिए। बड़े बालों की देखभाल के लिए जो वक्त और पैसा हमें चाहिए वो हम मैनेज नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है कि बाल सदैव छोटे रखें। नंबर 20, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी के इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। कभी भी दही दूर्यास्त के बाद ना खाएं। दही प्रयोग करने के सबसे सही समय सुबह और शाम है। दही में अगर नमक की जगह चीनी डालकर खाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा स्वस्थ वर्धक होगा। नंबर 21, कभी भी छाछ पीने या दही खाने के तुरंत बाद दूध ना पिएं। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बीच कम से कम एक घंटे का समय ज़रूर दें। नंबर 22, खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा मीठा और सौंफ के दाने ज़रूर खाएँ। नंबर 23, खाना खाते वक्त कभी भी बातें ना करें। ये बहुत ही बुरी बात है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। नंबर 24, कभी भी खड़े खड़े खाना ना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। खाना हमेशा बैठकर खाएं। नंबर 25, खाना खाते वक्त किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। गुस्से में कभी भी भोजन ना करें। पहले अपने आप को शांत करें, फिर भोजन करें। नंबर 26, खाना खाते ही कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोना ही चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रुकें, उसके बाद सोएं। नंबर 27, कभी भी कोई किताब या अखबार पढ़ते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह खाना खाते वक्त कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नंबर 28, सुबह उठने के बाद कम से कम 100 मीटर पैदल ज़रूर चलें। ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रह पाएंगे और पूरे दिन आप में एनर्जी रहेगी। नंबर 29, कभी भी अपने डिनर यानी रात के खाने में गरिष्ठ भोजन यानी भारी और तेल वाला भोजन ना करें, जैसे चावल, राजमा और मीट मांस आदि। नंबर 30, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी भारी भोजन करना है वो सूर्यास्त से पहले ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं। इस तरीके से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 31, छोटी मोटी समस्याओं के लिए कभी भी अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग रोज़ एक या दो टैबलेट तो ले ही लेते हैं, ये शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं। नंबर 32, जितना हो सके दोपहर में सोने से बचें। दोपहर में सोना बीमारियों को बुलावा देना है, इसलिए इन हेल्थ टिप्स को हमेशा मानें। नंबर 33, हमें बहुत अधिक देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। इससे न सिर्फ आंखें खराब होती हैं बल्कि आपका टाइम टेबल भी खराब होता है। नंबर 34, आजकल के बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, उनके लिए बता दें कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कभी ना करें और ना ही मोबाइल को अपने पास रख कर सोएं। इससे रेडिएशन का खतरा बना रहता है। नंबर 35, रात का खाना हमेशा जल्दी ही खाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि 9 बजे तक आपका डिनर हो जाए। नंबर 36,
कभी भी रात को खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए। रात के खाने के बाद कम से कम 500 कदम पैदल चलने की आदत डालें। नंबर 37, रात को हमेशा जल्दी सोने की आदत डालें। ज़्यादा देर टीवी देखने से ना चिपके रहें। रात को सोने का अपना एक निश्चित समय बनाएं। नंबर 38, कभी भी रात को सोते समय अधिक पानी ना पिएं। अगर पानी पीना है तो सोने के टाइम से कम आधा घंटा पहले पानी पिएं। सोते समय ज़्यादा पानी पीने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जो आपकी नींद में खलल डालने का काम करता है। नंबर 39, रात को सोने से ठीक पहले अपने दांतों को साफ करना ना भूलें, ताकि खाने के दौरान दांतों से चिपकी गंदगी साफ हो सके और आपका मुंह पूरी रात साफ रहे। नंबर 40, हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ऐसा करने से आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे आपके लिए 40 छोटे छोटे लेकिन बेहतरीन हेल्दी रहने के उपाय, तरीके और नियम। आजकल लोगों का दिमाग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में इतनी तेज दौड़ रहा है कि वो रात को भी ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। उनका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत से लोग साइकेट्रिस्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं और उनसे सवाल पूछते फिर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में आज के दिन 22% लोग रोज टैबलेट्स ले रहे हैं। उनकी ज़िंदगी दवाइयों पर निर्भर हो गई है। ये वो लोग हैं जो लगातार दवा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 5 या 10 दिन के लिए दवा खा रहे हैं, वो लगातार दवाइयाँ खाने को मजबूर हैं। अच्छे स्वास्थ्य को खोजते खोजते वो डॉक्टर तक पहुँच गए और डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिकल तक पहुँचा दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना उन्होंने दवाएं खाई, लेकिन समझ ना सके कि स्वस्थ कैसे रहें। दवाओं से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, दवाएं हमें और ज़्यादा बीमार बना रही हैं। ये हमारे शरीर को और ज़्यादा खोखला करती जा रही हैं। अंग्रेजी दवाओं के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो एक बीमारी को दबाती है तो उसके साथ 3 समस्याएं और हो जाती हैं। ऐसे में हमें ऐसे घरेलू हेल्थ टिप्स का सहारा लेना होगा जो नेचुरल हों, जिनसे हम बीमार ही ना पड़े। सो गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।